विश्वस्य मातरः वंदे गौ मातरम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। गाय और गौ वंश का इंसान की जिंदगी से गहरा रिश्ता रहा है। वेद पुराण हो या दूसरे धर्म ग्रंथ, हर जगह गाय को ऊंचा दर्जा दिया गया है और इसकी वजह सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है। गाय अपने दूध से इंसान का वजूद बचाती रही है, मानवता को सींचती रही है, स्नेह न्यौछावर करती रही है, इसीलिए इसे माता का दर्जा मिला है। वैदिक काल से ही गाय और गौवंश की उपयोगिता और उनका महत्व देखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा गौवंश कभी अपने दूध से इंसानों की सेहत का ख्याल रखता है तो कभी हल में जुतकर लोगों के अन्न का भंडार भरता है। लेकिन अफसोस ये है कि वही इंसान गाय और गौवंश की कीमत को नहीं पहचान सका और दूध की जगह उनके हाड़ मांस का भूखा हो गया। दरवाजे की शोभा और इंसान की हैसियत बढ़ाने वाली गाय तस्करों के हाथों बेची जाने लगी। चंद पैसों के लालच में गौवंश के वजूद को संकट में डालने वाले आखिर कब सोचेंगे? इसी पर है हमारी खास पेशकश गौ मातरम। राजस्थान से गौ माता गायब हो रही है और अगर गौ माता के गायब होने की रफ्तार ऐसी ही रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश की गायें ढूंढने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। गोमांस की बढ़ती मांग के चलते प्रदेश की गायों का बूचड़ खानों में जाना बदस्तूर जारी है। राजस्थान से गायों को बांग्लादेश तक ले जाने वाले बड़े बड़े गिरोहों का जाल राजस्थान से बांग्लादेश के बॉर्डर तक फैला हुआ है। इस गिरोह को किसी का डर नहीं, चाहे पुलिस हो या सरकार। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में करीब 1,21,00,000 गोवंश हैं। इस गोवंश पर गो तस्करों की निगाहें गड़ी हैं। हर साल हजारों गायें ट्रकों में ठूस कर बूचड़खानों तक जा रही हैं। बूचड़खानों से गायों का मांस विदेशों तक भेजा जा रहा है। अब बात करते हैं उन रूट्स की जहां से गो तस्कर आए दिन गायों को अवैध रूप से तस्करी कर ले जाते हैं। राजस्थान का ब्रज भूमि वाला इलाका आज गायों की तस्करी का अड्डा बन गया है। धौलपुर, करौली और भरतपुर के रास्तों से गौ तस्करी सबसे ज्यादा हो रही है। भरतपुर जिले का मेवात इलाका और उससे सटा हरियाणा का मेवात गौ तस्करी के लिए कुख्यात हो गया है। गौ तस्कर राजस्थान के जिलों से गौधन को रात में चोरी छुपे उठाकर लाते हैं। मेवात के सुनसान पहाड़ी इलाकों में गायों की बड़े पैमाने पर हत्या की जाती है। हर दिन राजस्थान और अन्य राज्यों से 500 से ज्यादा ट्रक गौवंश भरकर हाईवे से निकलते हैं। राजस्थान में गौ तस्करी को लेकर सख्त कानून नहीं था। वसुंधरा राजे कैबिनेट ने 15 सितंबर 2015 को दो बड़े फैसले लिए। राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दो संशोधन करने का फैसला लिया गया। पहले संशोधन में गौ तस्करी में किसी वाहन के पकड़े जाने पर उसे स्थायी रूप से जब्त करने का प्रावधान है और दूसरे संशोधन में आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा के प्रावधान बदले गए हैं। इन दो संशोधनों के जरिए अधिनियम में दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, लेकिन ये दोनों ही निर्णय देर से लिए गए और अब तक प्रभाव में नहीं आए हैं। प्रदेश में गौ तस्करी को लेकर कानून जो भी हो, गौ तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है। प्रदेश में गायों के इतने बुरे दिन आ जाएंगे और ब्रज में ही गायों का कत्ल होने लगेगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। गौ माता की धरती पर गौ वंश की तस्करी और गौ हत्या को रोकने के लिए हम सबको खानी होगी कसम गौ माता की कि अब नहीं होने देंगे गौ वंश का दमन। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। गौ माता का वजूद खतरे में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जहां कहीं भी गाय नजर आती है तस्कर उसे पलक झपकते गायब कर देते हैं और उसे बेच दिया जाता है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के उन शहरों में जहां अनगिनत कत्लखाने खुलेआम चल रहे हैं। हमारी गलती यह है कि हम जिन गायों से दूध निकालते हैं उन गायों को उनके ही हाल पर छोड़ देते हैं
और गौ तस्करों को इस मार्ग में मांस के टुकड़े दिखने लगते हैं। भरतपुर में बेखौफ हो चुके हैं गौ तस्कर। आए दिन पुलिस पर हो रही फायरिंग, बंदूक की नोक पर हो रही गायों की तस्करी, फायरिंग कर फरार हो जाते हैं गौ तस्कर। भरतपुर में गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे रोके जाने पर पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूकते। भरतपुर के डीग में गौ तस्करों और पुलिस के बीच 36 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग कर गौ तस्कर भागने में फिर से कामयाब रहे। आखिर क्यों भरतपुर पुलिस गौ तस्करों से हार गई है? क्यों QRT की टीम कमजोर पड़ गई है? पुलिस की तैयारियां कहां धरी रह गई? काफी चुनौतीपूर्ण रही है। इसको लेकर के मुख्य जो डीग और कामा क्षेत्र है, जो कि मेवात का काफी बड़ा आधार बनता है, उसमें उसकी तरफ से काफी गोवंश को हरियाणा और यूपी की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाता है। उस गोवंश को न ले जा सके, इसके लिए कुछ स्थायी तौर पे अस्थायी चौकियां लगाई गई। गोवंश को बचाने के लिए कई सामाजिक और हिंदूवादी संगठन आगे भी आए हैं और उन्होंने कई बार तस्करों के कब्जे से भारी संख्या में गोवंश को मुक्त भी कराया है, लेकिन आम लोगों में गायों को लेकर जागरूकता की कमी है। जैसे भरतपुर यूपी से सटा हुआ है और पूरे राजस्थान से यूपी पहुंचने के लिए यही रास्ता है, और यहाँ से जो ट्रक भर के जाते हैं उनको पब्लिक के जन सहयोग से हम मिलके पुलिस को हम पकड़वाते हैं। भरतपुर के गढ़ी सावल दास गौशाला में मुक्त कराई गई गायों को रखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ गायों को चारा तक नहीं मिलता। गोपालन विभाग का गठन कर दिया है, नियुक्ति भी कर दी है, लेकिन उसका मंत्री भी अलग से बना दिया है, डायरेक्टर भी बिठा दिए हैं, लेकिन आज तक गोपालन विभाग से किसी भी गौशाला को एक पैसे का किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। सवाल ये है कि अगर भरतपुर गायों की तस्करी का केंद्र बनता जा रहा है तो क्यों बड़े पैमाने पर इन तस्करों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई नहीं की जा रही? कपिल चीमा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भरतपुर। गौ तस्करी का ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि शायद इस दौरान इन तस्करों को गाय की उपयोगिता सिर्फ इसके मांस में ही दिखती है। शायद उन्हें नहीं पता कि गाय अगर दूध ना भी दे रही हो तो भी उसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है। अगर ये जागरूकता लोगों में आ जाए तो शायद गौवंश की ये दुर्दशा न हो। गौ पालन को लेकर बीकानेर को देश का डेनमार्क कहा जाता था, लेकिन गौ तस्करों की यहां ऐसी बुरी नजर पड़ी कि यहां की उम्दा नस्ल की गायें बर्बाद हो गईं। राठी नस्ल की गाय तो इक्का दुक्का ही देखने को मिलती हैं। दूध उत्पादन के लिहाज से देश का डेनमार्क कहा जाने वाला बीकानेर अब अपनी पहचान खोने लगा है। यहां की राठी नस्ल की उम्दा गायें गौ तस्करों की नजर में चढ़ गई हैं और उनकी पूरी नस्ल तबाह हो गई है। उन्नत नस्ल की गायें अब सिर्फ कभी कभार संवर्धन केंद्रों पर ही देखने को मिलती हैं। परंपरागत गौ पालकों की उदासीनता और गौ तस्करी की वजह से कभी गौ पालन का केंद्र रहा बीकानेर अब उस गौरव को खो चुका है। गौ पालन के क्षेत्र में बीकानेर की ख्याति की वजह से 1954 में यहाँ वेटनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, लेकिन अब ना वो वक्त रहा और ना ही वो बात। वर्तमान में गौपालन की स्थिति काफी कमजोर हुई है। जैसे बीकानेर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो गुजर समुदाय है वो गौपालन के लिए जाना जाता था, और एक समय था जब इसी वेटनरी कॉलेज ने, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, सर्वप्रथम लिक्विड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान। उन्नत किस्म की गायों को खरीदने और बेचने के लिए यहाँ मेला लगता था, लेकिन अब तो आलम यह है कि लोग गायों को दुहने के बाद दरवाजे पर भी रखना नहीं चाहते, उसे आवारा छोड़ देते हैं और वो भी भोजन के जुगाड़ में दिन भर भटकती रहती हैं और कचरे के ढेर से पॉलीथीन का निवाला बनाती हैं। गाय की देखभाल एक तो वो अच्छी तरीके से नहीं रही, और गाय का जो लालन पालन करने वाले वो ये चाहते हैं कि सिर्फ खाली गाय हमारे को खाली दूध देवे, खाए चरे पिए कहीं बाहर, उस वजह से वो सारी पॉलीथीन वगैरह खाती है, अच्छा खाना उनको नहीं मिल पाता। गायों की नस्ल की बर्बादी की मुख्य वजह तस्करी है। उन्नत किस्म की गायों को बीकानेर से बाहर भेजा जा रहा है
और उसके संरक्षण और संवर्धन का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। फिलहाल ये जो गाय दिखाई दे रही है राठी नस्ल की गाय है और जिसका दूध एक दिन में 25 से 30 लीटर तक होता है। इस तरह की गायें जो हैं अब सिर्फ और सिर्फ वेटनरी विश्वविद्यालय तक सीमित रह गई है। ये यहाँ के लोगों का भी कहना है और यहाँ वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति का भी कहना है। इन तमाम तरह की गायों पर वेटनरी विश्वविद्यालय में अनुसंधान चल रहा है, परन्तु दूसरी ओर गायों की तस्करी ने कहीं न कहीं इन नस्लों और इन गायों की खासियतों को अब बीकानेर से दूर कर दिया है। एक वक्त बीकानेर में पशु मेले के रूप में गायों को लाने ले जाने का चाव होता था, चलन होता था, परंतु अब इन पशु मेलों की संख्या ही काफी गिर गई है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ रवि बिश्नोई, जी मीडिया, बीकानेर। समस्या सिर्फ बीकानेर तक ही सीमित नहीं है। इन गौ तस्करों ने पूरे राजस्थान में गौवंश को खतरे में डाल रखा है। गौ तस्करी के तेजी से बढ़ते मामलों को प्रदेश सरकार चुनौती के तौर पर देख रही है, लेकिन पुलिस की कमी का रोना रोककर अपना पल्ला भी झाड़ लेती है। गौ तस्करी का अड्डा बन चुका राजस्थान इस समस्या का हल ढूंढने में जुटा है। सूबे के गृह मंत्री भी कबूल करते हैं कि गौ तस्करी नासूर बन चुकी है। पिछले 6 महीने में राजस्थान में गौ तस्करी की 300 से ज्यादा वारदातें सामने आ चुकी हैं। गौ तस्कर हरियाणा के रास्ते गायों को बाहर भेज रहे हैं और चंद पैसों के लालच में पुलिस के कुछ लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। गौ तस्करी और गौवध पर लगाम लगाने के लिए कानून तो है, लेकिन उसका खौफ किसी में नहीं है। वहीं सरकार पुलिस की कमी की बात कर पल्ला झाड़ रही है। गौ तस्करी की घटनाएं भी इस सारे क्षेत्र में है। हमने कुछ चौकियां स्वीकृत तो कर रखी है, लेकिन अभी भी उस पर जितना स्टाफ हमारा होना चाहिए और जिस तरह से वो काम करनी चाहिए उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको हम सुधारेंगे। चुरू, सीकर, भरतपुर, अलवर और उदयपुर गौ तस्करी का बड़ा केंद्र बन गए हैं। हाल के दिनों में इन जिलों में गौ तस्करी का कारोबार बढ़ा है। हालांकि सरकार जानवरों और मवेशियों के संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने पर काम कर रही है। नए कानून में गौ तस्करी करने वालों के साथ जिस वाहन में तस्करी हो रही है उसके मालिक, खलासी और चालक को भी सह आरोपी बनाया जाएगा, ये प्रावधान है। साथ ही जिसने गाय को बेचा है और जिसको बेचा है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। लेकिन सवाल ये है कि इसको संरक्षण देने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार क्या करेगी। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। गौवंश पर संकट गहरा रहा है। गौवंश यानी गाय, बछड़े और बैल की तस्करी की जा रही है। देश के आधा दर्जन बड़े राज्यों से होकर कानून को किनारे करते हुए लगातार गाय का कारोबार जारी है। और कमाल की बात यह है कि गाय को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे बयानबाज इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश हैं। राजस्थान के लिए यह किसी कलंक से कम नहीं है कि पिछले 6 महीने में गौवंश की तस्करी के सबसे ज्यादा 300 मामले यहीं से सामने आए हैं। ये तस्वीरें हैं उन तस्करों की जो गाय को मां नहीं सिर्फ मांस समझते हैं, और इस मांस के धंधे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देश में सबसे ज्यादा गौवंश राजस्थान में है और यहीं से बड़े पैमाने पर गौवंश की तस्करी की शुरुआत होती है। राजस्थान बॉर्डर के 2 जिले भरतपुर और अलवर वो सबसे संवेदनशील जिले हैं जिनसे होकर ये गौवंश मेवात के इलाके में पहुंचता है। पुलिस के तमाम इंतजाम और दावों के बावजूद एक बड़े अनुमान के मुताबिक राजस्थान बॉर्डर से रोजाना 150 से 200 ट्रकों में भरकर गौवंश दूसरे राज्यों में कटने के लिए भेजा जाता है।
अलवर में भी एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ से गौ तस्कर गौवंश को ले जाने में अक्सर निकल जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितने ही सख्ती से पेश आए। पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 140 मुकदमे दर्ज किए गए गौ तस्करों के खिलाफ, और अब 6 माह के समय में लगभग 130 मामले बन चुके हैं इस बार भी गौ तस्करों के खिलाफ, लेकिन कार्यवाही अभी और सख्त आवश्यकता नजर आती है। राजस्थान में 1995 से इस मामले में कानून है, लेकिन ये उतना सख्त नहीं है कि गौवंश को बचा ले। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, राजस्थान के अलवर और भरतपुर के रास्ते ये तस्कर गौवंश को लेकर हरियाणा बॉर्डर में घुसते हैं, जहां मेवात के इलाके में इंतजार कर रहे दूसरे ग्राहक तस्कर से इन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये अलवर की शहर की इकाई है जो गो रक्षा से जुड़ी हुई है, इनके जिले स्तर पर अलग अलग टीमें काम करती हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से यहाँ से गोवंश को ले जाते हैं, क्या स्थिति रहती है? सर, ये लोग क्या करते हैं, एक्चुअली गाड़ियों को लोड करके उनके अंदर बोरियां डाल के इस तरीके से मतलब ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिन पर हमें विश्वास भी नहीं हो पाता कि हम किस तरीके से उनका वो करें, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी जी जान से कोशिश करना चाहते हैं कि हमारा एक भी मिशन खाली न जाए। क्या उनका तरीका रहता है, किस तरीके से वो भी हथियारों से लैस होकर के आते हैं, कई बार वो भी अटैक कर देते होंगे, किस तरह की स्थितियां सामने उत्पन्न होती है? एक तो उनकी स्पीड होती है 120 से 130 के आसपास, और उनके ऊपर पत्थर रखे हुए रहते हैं उन लोगों के पास, और गोलियां चलाते हैं सरेआम। एक दो बार तो हमारे सामने की बात है कि पुलिस प्रशासन भी से भी हाथ से निकल के चली गई। ये तस्कर राजस्थान के हर हिस्से से गौवंश लेकर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस की बैरिकेडिंग और कई जांच टीमों की नजरों से बचकर कैसे अपने काम को अंजाम देते हैं। इस मामले पर पुलिस की अपनी दलील है और दिखाने के लिए आंकड़े भी। ज्यादातर ये वाकया जो है नेशनल हाईवे पर हो रहे हैं, और वो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से पशु तस्कर पशु ला रहे हैं, और जो भी संज्ञान में आते हैं उनको पकड़कर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, और गायों को गौशाला में, गौशाला की सुरक्षा में पहुंचा दी जाती है। राजस्थान में हर साल करीब 58 पशु मेले लगते हैं, जिनमें औसतन एक मेले में 10,000 गौवंश बिकने के लिए आते हैं। इन मेलों में खरीदार के तौर पर किसान पहुंचते हैं या फिर कसाई। हालांकि किसान बड़ी मात्रा में गौवंश नहीं खरीद पाता, इसलिए तस्कर किसान बनकर बड़ी संख्या में गौवंश खरीद लेते हैं। मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड न होने की वजह से प्रशासन लाचार बैठा रह जाता है, और ये तस्कर इन पशुओं को लेकर अपने मुनाफे की यात्रा शुरू करते हैं। किस साधन से लेकर के जाते हैं यहाँ जो गौवंश आते हैं, किस तरीके से लेकर के जाते हैं उनको? सर, ये जैसे पिकअप हो गया, ट्रक हो गए, ट्रकों में मतलब केलों की जो पेड़ होते हैं वो बिछाकर उसके अंदर, उसके ऊपर मिट्टी डालकर उस तरीके से ये लोड करके लेके जाते हैं, और दूर से ये जब उनको पता लगता है कि गौ रक्षक यहाँ पे खड़े हैं तो ये दूर से पत्थर और ईंटें मारना और फायरिंग करना चालू कर देते हैं। इस वजह से हम अपना बचाव करने के लिए हम साइड में हो जाते हैं, और फिर ये कामयाब हो जाते हैं उनको आगे ले जाने में। साल भर के अंदर 17 लाख गाय और गोवंश के दूसरे जानवर भारत से बांग्लादेश पहुंचाए गए। ये तब हुआ जबकि बांग्लादेश बॉर्डर पर करीब 30,000 सैनिक तैनात हैं, और ये तब हुआ जब धर्म, आस्था और कानून, इन सब में गाय को सुरक्षा दी गई है। यानी गाय लगातार मांस के व्यापार का हिस्सा बनती रही और धर्म बेचैन होता रहा, कानून लाचार बनता रहा। गाय की तस्करी को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन के दावों के बावजूद गौवंश की तस्करी हो रही है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद
गौवंश की तस्करी का सबसे बड़ा गढ़ है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में गौवंश बांग्लादेश भेजा जाता है। रात के साए में बीएसएफ के कैमरे की नजर से गाय की तस्करी के ये वीडियो देखिए। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का मुर्शिदाबाद बॉर्डर है, जहां से ये तस्कर बेखौफ गाय की तस्करी कर रहे हैं। रस्सी से लटकाकर ये तस्कर गाय को बॉर्डर पार भेज देते हैं। গরুর ব্যবসা করে ওরা হাটে থেকে নিয়ে এনে দেয়, দিয়ে মাঠ দিয়ে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়, পাঁচ ছ ঘন্টা হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হয় আমাদের, দিয়ে বর্ডার পর্যন্ত গিয়ে ওদের পৌঁছে দিয়ে আসে বাংলাদেশের লোকেদের। কত টাকা করে দেয় জন্য? আমাদের গরু পিছু 200 টাকা করে দেয়। দিনে কবার এরকম ট্রিপ মারো? দিনে 3-4 বার হয়ে যায়। কোনো অসুবিধা হয় না রাস্তায়? অসুবিধা আবার কিছু, কোনো অসুবিধা নেই। কেন? কেন সবই তো মাদলি করা আছে, पुलिस पुलिस करा दे। कैमरे के सामने अपनी तस्करी की पोल खोलते इस तस्कर को आपने सुना। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे गौवंश की हत्या को रोकना एक मुश्किल काम है। अब सरकारों और प्रशासन से कितनी उम्मीद की जाए कि गौवंश की हत्या को रोका जा सके? ये तो बिल्कुल मतलब समझ सकते हैं सभी कि बांग्लादेश में बहुत ही इसका डिमांड है, हमारा देश में डिमांड इतना है नहीं, इसीलिए जाते हैं। बट ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, जब एंटर कर जाते हैं ये स्टॉक, उसके बाद टैक्स हो जाता है, उसका पैसा बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ एक तो ये इनका फूड सप्लीमेंट हम लोग बोलते हैं, ये प्रोटीन उनका यहां से उनको फूड के रोज का रोज डाइट में होता है। बट दैट पार्ट, ये जो उनका जो लेदर इंडस्ट्री चल रहा है बांग्लादेश में, इनका हाइट से बनता है, इसका जो बोन चाइना कॉकरी जो बहुत ही इनफैक्ट नाम ज्यादा उनका इंडिक इंडस्ट्री हो गया है, वो मोनोपोल भी है, वो भी इनका मतलब ऑफ शूट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2014-15 में करीब 17 लाख गौवंश से जुड़े जानवर बांग्लादेश भेजे गए। फायदे का सौदा बनता गोमांस का व्यापार दिनों दिन बढ़ रहा है, जिस पर सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कोई मुकम्मल हल नहीं निकल रहा। धर्म, आस्था और कानून की मौजूदगी में गाय को बेहद आसानी से मारा जा रहा है। जिस गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, वो अब मांस के व्यापार का हिस्सा बनकर रह गई है। बड़ी अजीब बात है कि गौ हत्या को रोकने के लिए धर्म बेचैन है और कानून लाचार। गाय को बचाने की बात होती है तो सभी अपनी राय रखते हैं, सरकार को भी इस गौवंश के संरक्षण की बात करते हम सुनते हैं, लेकिन जब बात गोचर भूमि की आती है तो गायों के लिए रखी गई जमीन का दूसरे कामों में इस्तेमाल करने में सरकार और प्रशासन पीछे नहीं है। द्वापर युग में भी गायों को चराने के लिए ब्रज यानी चारागाह की व्यवस्था थी और मौजूदा वक्त में गोचर की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज गोचर की इन जमीन को हड़पने की होड़ सी लग गई है। आम आदमी है तो अतिक्रमण कर गोचर की जमीनों को अपने कब्जे में ले लेता है, और सरकार है तो अवाप्त की कार्रवाई कर गोचर की जमीन का दूसरे काम में इस्तेमाल कर रही है। प्रदेश सरकार पिछले 20 साल में तकरीबन 55,000 बीघा गोचर की जमीन अवाप्त कर चुकी है। राजधानी को छोड़कर करीब 1.5 दर्जन जिलों में जिला प्रशासन ने अलग अलग काम के लिए गोचर की जमीन को अवाप्त किया है। गोचर की सबसे ज्यादा जमीन सीकर जिले में है, इनमें 25,000 बीघा से ज्यादा जमीन सरकार ने अवाप्त कर ली है। इसके अलावा अजमेर में 5,483 बीघा, अलवर में 178 बीघा, बाड़मेर में 1,420 बीघा, भरतपुर में 666 बीघा, बारा में 762 बीघा, नागौर में 540 बीघा, कोटा में 626 बीघा, जैसलमेर में 1,978 बीघा, सिरोही में 555 बीघा, सवाई माधोपुर में 607 बीघा, राजसमंद में 182 बीघा और टोंक में 16,627 बीघा जमीन सरकार ने अवाप्त की है। इस तरह से पिछले कुछ साल में गोचर की जमीन सिमटती चली गई और गायों के सामने भोजन की समस्या बढ़ती गई। बढ़ती आबादी के साथ गौपालक के पास उन्हें पालने के संसाधन कम होते गए
और गौवंश की दुनिया उजड़नी शुरू हो गई। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ये सभी जानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि आधारित है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में गाय और गौवंश का अहम किरदार रहा है। देश के भीतर हरित और श्वेत क्रांति लाने में इनकी भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। जहां गायों के दूध और उसके प्रोडक्ट्स से खजाने भर रहे हैं, वहीं गौवंश की मदद से अन्न का भंडार भरता है। गाय और गौवंश दुनिया भर में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। सदियों से गाय और गौवंश इंसानों को बेहतर जिंदगी मुहैया कराने में मददगार रहे हैं, चाहे इंसान की सेहत की बात हो या उसके लिए अन्न का भंडार भरने की। गाय के दूध की बदौलत इंसान शारीरिक रूप से मजबूत बनता है, तो गाय की पैदाइश बैलों से खेती का काम लेता है और घर में अन्न का भंडार भरता है। गाय के गोबर के उपले घरों में खाना पकाने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वही गायों और गोवंश को पालने के लिए इंसान को अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। प्रकृति ने धरती पर इतने बड़े चारागाह दिए हैं जहां वो खुद के भोजन का इंतजाम कर लेते हैं, यानी हींग लागे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा। चूंकि भारत की 70% आबादी आज भी गांवों में रहती है और खेती किसानी ही उनकी आजीविका का मुख्य जरिया है, लिहाजा गाय और गौवंश की अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। गाय के दूध के अलावा उसके गोबर और मूत्र से भी कई बड़े प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो औषधीय काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। गोमूत्र का इस्तेमाल कैंसर की दवा बनाने के लिए होता है तो गोबर को ईंधन और ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में उत्पादित दूध का कुल मूल्य अब चावल धान से अर्जित होने वाली कुल कीमत से भी ज्यादा हो गया है। साल 2013-2014 में सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन क्षेत्र की 4.1% भागीदारी रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। गावो विश्वस्य मातरः वंदे गौ मातरम्। प्रायोजक हैं पतंजलि बिस्किट, शरीर के प्राकृतिक पोषण, ऊर्जा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, स्लिम और सुंदर दिखने के लिए आयुर्विन न्यूट्रिस्लिम, लक्स कॉट्सवुल विंटर वेयर जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास, और रिसर्च जीरा बीज अवनि 111 है। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनि सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनि 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। शहर हो या गांव, अस्पताल, बाजार, रेलवे स्टेशन, हर जगह दी जाती है पानी की ये बोतल। आरओ तकनीक से साफ किया 1 लीटर ये पानी 12 से 15 रुपए में मिलता है। यहाँ हमारे राजस्थान में कई इलाकों में भूजल खारा या फ्लोराइड युक्त है जिससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। राजस्थान सरकार ने सोचा क्यों न इन गांवों में आरओ की ये आधुनिक मशीनें ही लगा दी जाए, तो अब पूरे 1000 गांवों में सरकार ये आरओ प्लांट्स लगा रही है। इन गांवों में लोगों को पीने और खाना पकाने के लिए साफ मीठा पानी मिलेगा, नहीं 12-15 रुपए में नहीं, बस 10 पैसे लीटर में। पानी होगा मीठा, चाय बढ़िया, खाना भी स्वाद और बीमारियां भी नहीं। ये होना बात। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनि सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनि 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ब्रो, खाना ऑर्डर कर लेना। क्यों? ये जो एचडी बॉक्स लिया है इसमें तो सिर्फ क्रिकेट चैनल एचडी में आएंगे, भाभी के फेवरेट नहीं, तो वो तो आपको खाना देने से रही। डिश 2 HD प्लस मैक्सिमम HD चैनल्स इंक्लूडिंग योर भाभी फेवरेट, वो तो इतनी खुश है कि डार्लिंग कपकेक्स आर रेडी। कपकेक्स मेरे लिए, तू ऑर्डर कर ले। हब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनि सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनि 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। धरती माँ,
गावो विश्वस्य मातरः वंदे गौ मातरम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज गौवंश को बचाने की जरूरत आन पड़ी है, इसके संरक्षण की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं बढ़ रही हैं गौवंश की तस्करी की, इनको मारने की, गाय को एक मांस के तौर पर इस्तेमाल करने की, और इन सारी समस्याओं का सरकार कितना समाधान कर पाती है ये सरकार ही जाने। लेकिन हम और आप इन गायों के महत्व को अगर पूरी तरह समझ लें तो यह अपने आप में किसी व्यापार को खड़ा करने जैसा होगा। एक गौवंश को बचाकर बड़े आर्थिक फायदे की बुनियाद रखी जा सकती है। अगर दूध न देने वाली गाय की भी बात करें और अगर इन गायों की एक गौशाला संचालित की जाए तो आप इसे एक इंडस्ट्री यानी उद्योग से कम मत समझें। यह गौशाला मुनाफे का एक बड़ा जरिया बन सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि माता और मांस से आगे गाय वो कामधेनु है जो इस देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकती है। गाय वो जानवर है जो इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जमीन पर ला सकती है। गाय वो पशुधन है जो इस देश के लाखों गरीब किसानों को अमीर बना सकती है। कैसे? चलिए, पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई हत्या, गाय को बचाने में सब इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा की मौत से लेकर बीफ पार्टी मनाने वाले लोगों के मुंह पर कालिक पोतने की घटनाओं को देखा। देश को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाओं को देखकर लगने लगा कि गाय सिर्फ दो ही कामों के लिए है, या तो पूजा करने के लिए या फिर काट कर खाने के लिए। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, जो गाय दूध नहीं दे सकती, जिसके हाथ पैर बेकार हो चुके हैं, जिसे बेकार समझकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जिसे 5-6 हजार के लिए मांस का टुकड़ा समझा जाता है, वो गाय हर महीने एक बेरोजगार को सिर्फ गोबर और गौमूत्र से 5-6 हजार रुपए का रोजगार दे सकती है। कि जो कि लोगों की नजरों में नकारा है, जो किसी काम की भी नहीं, वो गाय। और जो दूध देने वाली तो अलग बात है। ये एक और नया पहलू नया सामने रखा है आनंद जी ने, कि वो गाय जो सड़क पर लोग बेकार समझ करके छोड़ देते हैं और शायद जिसकी तरफ देखते भी नहीं है, वो गाय आपको 8-10 हजार रुपए महीना बड़े आराम से दे सकती है, घर बैठे दे सकती है। हरियाणा की इस गौशाला में करीब 1100 ऐसी गाय है जो दूध नहीं देती, सिर्फ गोबर और गोमूत्र देती है, और यही गोबर और गोमूत्र 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। एक क्वालिटी का काम करे, बढ़िया काम करे तो गाय चलती फिरती फैक्ट्री है, उनको काम करने की जरूरत नहीं है। नौजवान पढ़े लिखे भाई ये काम कर सकते हैं। इसके सिर्फ 50% गोमूत्र है, उसको लेकर फिल्टर करके 50% उसका रक निकाला जाता है। देश में ना जाने कितने लोग बेरोजगार घूम रहे होंगे और उनके सामने ही कितनी बेकार गाय घूम रही होंगी। ये दोनों अगर मिल जाए तो दोनों का भला हो जाएगा। हमारे पास अगर कैंसर का पेशेंट का लीवर ठीक हो, खाना पीना खाता हो, मैं एग्रीमेंट कर सकते हैं पेशेंट को ठीक करने का। आप साइन करके देते हैं? बिल्कुल, साइन करके दे देंगे। हमारे पास यहाँ अगर छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल 100% ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करेंगे उसको? हम हमारी पद्धति से ठीक करेंगे, गोपैथी से, गौमूत्र से, और जो पंचगव से हम जो हमारी दवाई तैयार करते हैं। बड़ा अफसोस होता है जब कोई पूर्व न्यायाधीश या विधायक सरेआम बीफ खाने का दम भरता है और धर्म का झंडा उठाने वाला कोई शख्स चेहरे पर कालिक पोत देता है। सवाल उठता है, भड़काऊ ट्वीट और भाषण देने वाले ये पढ़े लिखे लोग क्या बेरोजगारी दूर करने के गाय के इस पहलू को लोगों को समझा और बता नहीं सकते थे? गंध जहाँ होगा, गोबर होगा, मूत्र होगा, मक्खी अवश्य आएगी, लेकिन आप यहाँ देखिए मक्खी मच्छर एक भी नहीं, इसकी पहचान है। तो किसानों को बताते हैं किस प्रकार से ये पौधे जो पेस्टिसाइड्स है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको कैसे दूर फसलों से करता। क्या बायो वाटर ये जो आप तैयार कर रहे हैं इसके लिए बाकायदा किसी प्लांट की जरूरत है? या देश में किसान हमारे जो हैं वो ऐसे ही गोबर से और गौमूत्र को मिलाकर के ये बायो वाटर तैयार कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी प्लांट से ही बायो वाटर ले। आप अपना गोबर और गौमूत्र गाय का ले सकते हैं और उसमें आप बैक्टीरिया कल्चर करके और अपनी खेती कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि मीडिया में गाय के मांस खाने या न खाने को लेकर तो चर्चा हुई, एक धड़े ने तो आग में घी डालते हुए गाय के मरने के बाद के फायदे भी गिना दिए, लेकिन गरीबी से खुदकुशी करते किसानों को ये गाय कैसे बचा सकती है ये किसी ने नहीं बताया। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक गाय ग्लोबल वार्मिंग कम करने में खासी मददगार साबित हो सकती है।
तो हम यही समझना चाह रहे हैं आपसे। हाँ। पहले तो हमको ये बताइए कि वो गाय जो कि लोगों की नजर में बेकार हो जाती है, तो वो बेकार गाय जो है जब जमीन पे जाती है, ये एलन सेवरी की रिसर्चेज हैं, एक किलो गोबर जिस जमीन में पड़ जाता है उस जमीन में 9 लीटर पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता बन जाती है। क्या आप यकीन करेंगे कि गाय का गोबर आने वाले वक्त में सीएनजी की तर्ज पर पेट्रोल और डीजल का नया विकल्प बन सकता है? हरियाणा में इसका एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, महंगी होती एलपीजी के मुकाबले अब आप अपनी रसोई के लिए गोबर से बनी बायोगैस के सिलेंडर भी ले सकते हैं। गोबर से बनने वाली बायोगैस का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि अब कोशिश ये भी की जा रही है कि होटल, रेस्टोरेंट या फिर आपके घर में भी बायोगैस के सिलेंडर पहुंचे, और इसके लिए प्लांट्स लग चुके हैं। सर, हमने कैस्केट बनाया है सर इसके लिए स्पेशली, अगर किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, तो हम ये जो है ये छोटे वाले कैस्केट, ये जो कैस्केट है इनको सप्लाई कर सकते हैं पूरा। सरकार भी गाय पर बोलने से बच रही है, बुरा मत मानिए, लेकिन आज जुबान बहुत तल्ख है। अब इसे गोबर कहें या फिर उन लोगों की बुद्धि को जो गाय पर लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने देश की छवि का गुड़ गोबर कर रहे हैं। कैमरामैन शंकर शर्मलिक और जयदीप के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। फायदे की या उपयोगिता की बात हो तो सबसे पहले दूध का ही जिक्र आता है। गाय की चर्चा होते ही सबसे पहले ध्यान दुग्ध उत्पादन पर आता है। दरअसल गौवंश की तस्करी और गौवंश की जो बुरी हालत हुई है उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि गाय की उपयोगिता को लोग नहीं समझ रहे। गाय का दूध हर किसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ये सब जानते हैं, और गाय के दूध को लेकर हुए रिसर्च के मुताबिक ये हमें कई बीमारियों से लड़ने की न केवल क्षमता देता है बल्कि बचाता भी है। गाय का दूध केवल नवजात के लिए ही अमृत नहीं है, बल्कि हर किसी को गाय का दूध फायदा पहुंचाता है। छोटे शिशु के लिए जहां गाय का दूध अच्छी सेहत की बुनियाद तैयार करता है, वहीं बड़ों को कई बीमारियों से बचाने में मददगार होता है गाय का दूध। ये दूध न केवल मामूली बीमारियां बल्कि कई गंभीर बीमारियों में भी गाय का दूध बचाने में मददगार होता है। पेट के कैंसर और ट्यूमर का खतरा होता है कम। नए रिसर्च के मुताबिक एशिया में गैस्ट्रिक कैंसर से प्रभावित रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से मौत भी अधिक हो रही है। इस दिशा में गाय का दूध एक कारगर दवा के तौर पर काम करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोलोन कैंसर यानी पेट के कैंसर को शुरुआती दौर में रोकने के लिए गाय का दूध बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, जो कैंसर की कोशिकाओं से होने वाले खतरे को कम कर देता है। आमतौर पर जब आपको गंभीर बीमारियां होती हैं, खासतौर से मान लीजिए कोई पेट से रिलेटेड बीमारी है, तो कोशिश तो ये मतलब क्या होता है कि कोई भी खाने वाली पदार्थ को पचाने में आते जितना लिक्विड डाइट है उसको आसानी से पचा पाएगी, या प्री कुक डाइट है। जैसे आप देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम उसको दलिया है, खिचड़ी है, ऐसी चीज बोलते हैं जो कि प्री कुक्ड है, वही दूध के साथ भी एडवांटेज ही है। स्वाइन फ्लू से बचाता है। एक और रिसर्च के मुताबिक H1N1 वायरस से बचने के लिए गाय का पहला दूध सबसे महत्वपूर्ण होता है। गाय के दूध के प्रयोग से बन रही एंटीबायोटिक्स के जरिए स्वाइन फ्लू वायरस को खत्म किया जा सकता है। बात चाहे मेडिकल साइंस की हो या आयुर्वेद की, हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि माँ के दूध के बाद गाय का दूध ही हमारे लिए अमृत है, पर यह हमसे छीना जा रहा है तस्करी के जरिए। गोवंश की तस्करी और हत्याओं ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आध्यात्मिक तौर पर भी गाय का खास महत्व है। गायों को देवतुल्य माना गया है। माना जाता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। साथ ही और क्या महत्व है ये भी बताते हैं। हिंदू धर्म में गाय को मां माना गया है, देव माना गया है। ऋग्वेद में ऋषि अग्नि के तहत लिखा गया है, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्व सादित्यानाम मृतस्य नाभि प्रणु वोचम चिकितुषे जनाय मां गाम नागम दितिम विदिष्ट। यानी चेतना वाले विचारशील मनुष्य को समझा कर कहा गया है, निरपराध गौ को नहीं मारना चाहिए। वो रुद्र देवों की माता है, वसुदेवों की कन्या है और आदित्य देवों की बहन और धृत रूप अमरत्व का केंद्र है। माना जाता है कि 33 प्रकार के देवताओं का वास
गौ माता में है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कर्म कुर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय ये 10 प्राण और 11 जीवात्मा यही एकादश रुद्र हैं। ये जब शरीर से निकलते हैं तो प्राणी रोते हैं। गौ इन रुद्रों की माता कही जाती है क्योंकि हमारे शरीर के 10 प्राण और जीवात्मा की पुष्टि गाय के दूध से होती है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सूर्य चंद्र तारे ये 8 वसु हैं और सारा संसार इन्हीं में बसा हुआ है। गौ माता इनकी दुहिता भी है। गौ को आदित्य की बहन भी माना गया है, इसीलिए 12 महीनों की तरह 12 आदित्य भी हैं। गौ को 11 रुद्र 8 वसु यज्ञ रूप प्रजापति इंद्र के 33 प्रकार के मूल में जो देव हैं उनके बराबर माना गया है, इसलिए गौ विश्व माता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। गाय और गौवंश का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बेहद खास है। इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हर धार्मिक और आध्यात्मिक मौके पर गायों के महत्व को देखा गया है। साफ शब्दों में कहें तो गाय के बिना पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान की कल्पना नहीं की जा सकती। गावो विश्वस्य मातरः यानी गाय दुनिया की माता है। गाय की ममता माँ की ममता के समान होती है। गृहस्थ जीवन में हम और आप गायों को इसी नजरिए से देखते हैं और मानते हैं, लेकिन इससे अलग गायों का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके 16 संस्कारों से गाय का किसी न किसी रूप से संबंध जुड़ा है। पूर्व वैदिक काल में गाय का महत्व गोधन के रूप में था, लेकिन वैदिक काल और उसके बाद के समय में इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बढ़ता गया। आज हम किसी भी शुभ कार्य से पहले घर आंगन की सफाई करते हैं और उसमें गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। सनातन धर्म मानने वाले पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में गाय के गोबर से ही गौरी गणेश को बनाते हैं और तब पूजा शुरू होती है। हिंदू धर्म में जितने धार्मिक कार्य होते हैं उसमें गाय का दूध दही गोबर घी और मूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का और गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। वहीं हिंदू धर्म में वैतरणी पार करने के लिए गोदान की प्रथा है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसी खीर से पितर तृप्त होते हैं। हिंदू धर्म मानने वालों को इस बात का यकीन है कि गाय के शरीर के अलग अलग अंगों में सभी देवताओं का निवास है, इसीलिए गाय की छाया बेहद शुभ मानी गई है। नवग्रहों की शांति के लिए भी गोदान की व्यवस्था की गई है जिससे इंसान कष्ट मुक्त होता है। हिंदू धर्म में अलग अलग मौकों पर अलग अलग रूप में गौ पूजा का विधान है। सुख सौभाग्य संपत्ति के लिए गो पद्वम व्रत किया जाता है। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए गोवत्स द्वादशी व्रत का विधान है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग गोत्री रात्र व्रत रखते हैं। वहीं समस्त सुखों के लिए गोवर्धन पूजा का विधान भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। चलिए अब गौवंश की कुछ और उपयोगिता आपको बताते हैं। दुग्ध उत्पादन तो हमने देख लिया, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी हमने देखा। जालौर के पथमेड़ा में गौवंश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें चल रही हैं और हम आपको बता दें कि हर मुमकिन जो कोशिश है यहां पर तेजी से जारी है। गौमूत्र की रिफाइनरी में दवाइयों के अलावा फिनाइल भी बन रही है, तो गोबर प्लांट में फाइबर और ऑर्गेनिक खाद इन दोनों से गौ पालकों की कमाई बढ़ती जा रही है और गौवंश आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पथमेड़ा की ये गौमूत्र रिफाइनरी गौवंश को बचाने की मुहिम में अहम किरदार निभा रही है। इस रिफाइनरी के जरिए गौमूत्र से 30 किस्म की दवाइयों के अलावा फिनाइल भी तैयार किया जा रहा है जो आम फिनाइल से ज्यादा लाभकारी है और ये गौ पालकों के कमाई का जरिया भी है। गौमूत्र के उत्पाद बाजार में उतरने से गौ पालकों को फायदा हो रहा है और गौवंश आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जो गाय दुधारू नहीं है वो भी गौ पालकों की कमाई में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। पथमेड़ा की इस गौमूत्र रिफाइनरी के लिए गौपालकों से गौमूत्र खरीदा जाता है जिसकी कीमत 5 रुपए प्रति लीटर होती है। गौमूत्र दैनिक उपयोग की एक आम वस्तु है और फिनाइल आम वस्तु होने के नाते हमें विश्वास है कि
शुद्ध परंपरागत तरीके से बिना साइड इफेक्ट की श्रेष्ठ फिनाइल है, उसे लोग आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे। अभी 2 महीने पूर्व ही हमने इस फिनाइल का शुभारंभ किया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, गोवंश का आधा हिस्सा नर गोवंश होता है तो दूध नहीं देता, और जो मादा आधा गोवंश होता है उसका भी आधा हिस्सा दूध नहीं देता। तो 75% जो अनुपयोगी गोवंश है बिना दूध देने वाला, उस गोवंश को आत्मनिर्भर बनाना और गोवंश के आधार पर गोवंश के पालक को भी आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। गौमूत्र से बनने वाले फिनाइल बाजार में बिकने वाले आम फिनाइल से अच्छा माना जा रहा है। इसमें कीटाणु मारने की क्षमता अधिक है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस फिनाइल में हम पहले तो गौमूत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि आज गौ माता को बचाने के लिए सर्वप्रथम गौमूत्र का उपयोग करना जरूरी है। इसीलिए पथमेड़ा ने गौमूत्र का एक फिनाइल का प्लांट बनाया है। इसमें गौमूत्र और हम पाइन ऑयल का मिक्स करके ये फिनाइल तैयार करते हैं। फिनाइल के लिए, गौमूत्र के लिए हम गांव से किसानों से खरीदे गौमूत्र, जिसे किसानों से खरीदेंगे तो गाय आत्मनिर्भर बनती है, किसान भी आत्मनिर्भर बनते हैं। तो आज ज्यादातर गाय रोड पे घूम रही है, वो घूमनी बंद होगी। इसी तरह पथमेड़ा में गाय के गोबर का कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। गोबर गैस से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गोबर से फाइबर और ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है। इससे होने वाली कमाई गौशाला को दे दी जाती है। हम गोबर को जो नया गोबर, कच्चा गोबर इकट्ठा करके हैं, उसको एजिटेटर के माध्यम से पल्पर जो उसका टैंक बना हुआ है, टैंक में एजिटेटर घुमा के वाइब्रेटर के माध्यम से उसको पानी के माध्यम से उसको करते हैं। उसके बाद उसका फाइबर निकलता है, उसकी स्लरी निकलती है, वो हमारी गोबर गैस के लिए निकल जाती है। पूरे इस प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी उससे चलती है और उसका भी जो रेसिड्यू बचता है, जो चीज बचती है, जो अंश बचता है, उससे ये खाद बनाई जाती है, जिसे ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं। ऑर्गेनिक खाद आज की तारीख में इतनी कम मिल रही है कि इस खाद की इतनी ज्यादा डिमांड है कि अगर आपको चाहिए तो 15 दिन पहले ऑर्डर करनी पड़ेगी और यहां पर सारी जो खाद बनती है तुरंत बिक जाती है। ये एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो गायों के जरिए चल रही है। और सोचिए, समझिए कि अगर गायों का गोबर इतना इस्तेमाल आ सकता है, इतना उपयोग हो सकता है, तो बाकी सारी चीजें कितनी उपयोग होती होगी। सहयोगी रामाराम वैष्णव और बबलू मीणा के साथ वरुण भंसाली, जी मीडिया, पचमेड़ा। गौवंश के जरिए गांव में तरक्की का रास्ता ढूंढने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा का माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान इस काम में अहम किरदार निभा रहा है। गोबर गैस के जरिए गांव में कैसे क्रांति लाई जाए, इस पर भी काम कर रहा है यह संस्थान। बैल की ताकत से घूम रहे पहिए के जरिए गांव की तरक्की की कहानी लिखी जा सकती है। माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान इस क्रांति को लाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। गोवंश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है, इसकी वानगी है ये तस्वीरें। भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान गोवंश के जरिए न सिर्फ तरक्की का रास्ता ढूंढ रहा है, बल्कि इसके किए प्रयोग बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। गोबर गैस प्लांट से पैदा हो रही बिजली यहाँ की जरूरतों को कैसे पूरा करती है, आप खुद सुनिए। वर्तमान में गोबर गैस ज्यादा इकोनॉमिक है, क्योंकि इसमें गोबर से गोबर गैस बनती है और गोबर गैस बनने के पश्चात गोबर स्लरी के रूप में ऐसे कैसे ही पूर्णतः वापस निकल जाता है, जिसको कि खाद के रूप में काम लिया जाता है और ये श्रेष्ठ खाद के रूप में होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो केवल उस गोबर में से गैस निकली है, इसलिए केवल और केवल थोड़ा सा मजदूरी, इसके अतिरिक्त इसके अलावा कोई कॉस्ट इसकी नहीं है। गोबर से पैदा की गई वैकल्पिक ऊर्जा की बदौलत बैटरी चालित रिक्शे भी चलाए जा रहे हैं। संस्थान के संचालकों का मानना है कि इसके जरिए न सिर्फ किसी गांव की बिजली की जरूरत पूरी की जा सकती है, बल्कि इसके जरिए मोटर गाड़ियों को भी चलाया जा सकता है, जो पर्यावरण के लिहाज काफी फायदेमंद होगा। CNG का निर्माण बायोगैस से किया जा रहा है और इसके जो गौशाला में परिसर में जितने भी वाहन है वो CNG से चलते हैं, और जो भी ट्रांसफर खाद इधर उधर लाना ले जाना, दूसरा गोबर ले जाना लाना, टेम्पो हमारा इसी CNG से चल रहा है। सर, ये जो बैल चल रहा है ये करीब 300 चक्कर लगाता है, उसमें 2-4 वाट बिजली जनरेट होती है। जो ये बैटरी पास में लगी हुई है उसमें स्टोर होती है, उससे बल्ब और पंखे, आटा चक्की और जो चारा काटने मशीन है वो उससे संचालित हो सकती है। माधव गो विज्ञान संस्थान गोबर गैस से मिथेन को अलग कर CNG पैदा करने पर भी काम कर रहा है, जो आने वाले कल के लिए बेहद कारगर साबित होगा। मनवीर सिंह, जी मीडिया, भीलवाड़ा।
प्रदेश में गौवंश को बचाने के लिए सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अब गौपालक खुद ये तय कर सकेंगे कि उन्हें गाय से बछड़ा चाहिए या बछड़ी। सरकार का मानना है कि अगर ये योजना कारगर रही तो बैलों के कम होते इस्तेमाल की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। गोवंश तस्करी के लिए खेती में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को भी एक कारण माना जा सकता है। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रभुलाल सैनी के मुताबिक खेती में तकनीक के बढ़ते दखल की वजह से बैलों से हल जोतना कम हुआ है। सैनी का कहना है कि सरकार ने सेक्स सीमन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए अब गायों में कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकेगा। इसके जरिए पशुपालक अपनी इच्छा के मुताबिक ये तय कर सकेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान से उसे बछड़ा चाहिए या बछिया। राजस्थान में गोवंश की संख्या 1,32,00,000 है और राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान में गौ मंत्रालय की स्थापना पहली बार राजस्थान में बनी है। गायों में कृत्रिम गर्भाधान की पद्धति ब्राजील से आई है। ये पद्धति पंजाब हरियाणा समेत कुछ राज्यों में पहले से ही चल रही है, लेकिन राज्य में सरकार की कोशिश ये भी है कि यहाँ देसी नस्ल को बढ़ाने के लिए देसी नस्ल के पशुओं का सीमन ही काम में लिया जाए। इसके लिए सरकार ने नस्ल सुधार का एक प्रोजेक्ट बीकानेर यूनिवर्सिटी को भी दिया है। गो सेवा आयोग का भी हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है और हमारा ये प्रयास है कि गोवंश के संरक्षण संवर्धन उन्नयन प्रजनन और चिकित्सा के लिए सरकार अपने ठोस उपाय कर रही है। कृषि मंत्री के मुताबिक खेती में गोमूत्र और गोबर का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। इसके लिए किसानों को 20,000 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडियों में पंचगव्य के लिए दुकानें अलॉट करने पर भी सरकार विचार कर रही है। गाय को बचाने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के दावे तो कर रही है, लेकिन सरकार की ये कोशिशें लोगों तक पहुंच सके इसका प्लान बनाना भी सरकार के लिए जरूरी है। आज के समय में गोवंश को बचाना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि ये सिर्फ एक पशु का नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी का मामला भी है। शशिमोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। गौवंश को बचाने की जी मीडिया की मुहिम गौ मातरम को जहां लोगों का भरपूर समर्थन मिला है, वहीं सरकार भी इस मसले पर गंभीर दिख रही है। उसने भी इस मामले में कुछ ठोस उपायों को करने की जरूरत बताई है ताकि गौ संरक्षण के साथ गौ तस्करी को रोका जा सके। गायों और गोवंश को बचाने, आगे बढ़ाने और उनके तस्करी रोकने को लेकर चलाई गई जी मरुद्रा की मुहिम को लोगों ने भरपूर सराहा है। साथ ही इस मामले में स्थायी समाधान को लेकर बहस छिड़ गई है। खुद मुख्यमंत्री ने गायों के हालात को लेकर संवेदनशीलता बरतने की जरूरत बताई है। हम जो वेटनरी हॉस्पिटल नागौनी बीकानेर के वेटनरी हॉस्पिटल ने एक वहाँ एक प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो आपके प्लास्टिक का चल रहा है, उस प्लास्टिक की वजह से गऊ की क्या स्थिति हो रही है। आज अपन लोग इतना हल्ला मचाते हैं कि गऊ के लिए अपन मरने को तैयार है, गऊ के लिए अपन सब कुछ करने को तैयार है। गऊ माता, गऊ की पूजा हम कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हो तो फिर ये गंदगी क्यों कर रहे हो। वहीं इस पूरे मामले में राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने ये माना कि स्टाफ की कमी है, लेकिन विकल्प के तौर पर उन्होंने कड़ा कानून लाने की वकालत की है। देखो, इस मुहिम के लिए तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि गौ माता तब तक नहीं बच पाएगी जब तक सर्वसाधारण व्यक्ति को गौ माता की उपयोगिता के साथ और उससे होने वाले लाभ से जब तक नहीं जोड़ पाएंगे। मैं सोचता हूँ कि गौ माता केवल उसको बचाना नहीं है, उससे प्राप्त होने वाले पदार्थों से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति दुरुस्त रहेगा। वही चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाने की बात करते हैं। उन्होंने इस मसले पर केंद्र से बात करने की भी बात कही है। सरकार इसके लिए कृत संकल्पबद्ध है कि गौ तस्करी नहीं हो। तमाम कानूनी प्रावधानों के अंदर, चूंकि ये स्टेट लिस्टेड लेजिस्लेशन नहीं है, ये भारत सरकार का है, पर फिर भी हमें जहां भी मौका मिलेगा अमेंडमेंट करके हम इसको सकते हैं। वहीं देवस्थान और गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा है कि तस्करी रोकने के लिए सख्ती और संरक्षण के लिए गौशालाओं की हालत बेहतर की जाएगी। ये गौ तस्करी जो हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से 52 चौकियों की स्थापना की गई है, अलवर जिले में हो, पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश हो, और जिस तरह से स्टेट लेवल पर पूरे जितने भी बॉर्डर लगते हैं वहाँ पुलिस को, ये गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस को जिम्मा दिया गया है कि वो इस गाय तस्करी को कैसे रोके। गायों और गोवंश को बचाने को लेकर सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन जरूरत है एक ईमानदार पहल की और गायों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
गौवंश को बचाने की इस मुहिम के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की है कि आज गौवंश खतरे में सिर्फ इसलिए है कि लोगों के पास जानकारी का अभाव है। गौवंश पर इसलिए तस्करों की बुरी नजर पड़ गई है क्योंकि जो लोग हैं, जो गाय पालते हैं, जो अपने पास गौ पालक हैं, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि गाय अगर दूध देना बंद कर देती है तो भी उसकी उपयोगिता खत्म नहीं होती और लोग शायद उसकी उपयोगिता नहीं समझते, इसलिए तस्करों के हवाले कर देते हैं। तो जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, जरूरत है लोगों को गौवंश के महत्व को, उसकी उपयोगिता को समझने की। और अगर ऐसा हो गया तो यह समझ लीजिए कि देश में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन की जो समस्याएं हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। गावो विश्वस्य मातरः वंदे गौमातरम्।